दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अब गोदी चैनलों में ना भयंकर संकट आ गया है। हर शाम हल्ला बोल करके देश में नफरती दंगल कराकर फर्जी हुंकार भरने वाले एंकर नहीं कह रहे कि आप डिबेट करें तो किस मौलाना या महंत से, क्योंकि उनमें से आधों पर तो FIR हो गई है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही दोस्तों कभी ऐसा हुआ होगा, छोटे छोटे मुल्क भारत जैसे देश को, भारत जैसे महान देश को माफी मांगने को कह रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी ने फ्रिंज कहकर निलंबित तो कर दिया, लेकिन अब मामला हो गया है बड़ा। अब तक तो सिर्फ एक चैनल के शो की बात थी, लेकिन अब तो लगभग सभी चैनलों की नफरती डिबेटों के मौलाना और महंत लपेटे में आ गए। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने अब 2 FIR दर्ज कर ली है, जिनमें 32 ऐसे लोगों के नाम है जो या तो सोशल मीडिया या फिर गोदी चैनलों की शाम की दिन भर की डिबेटों में रोज जहर उगलते हैं। ये वही महंत और मौलाना टाइप पैनलिस्ट हैं जो खुलेआम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे के धर्मों पर गंदी टिप्पणियां करते हैं, चैनल वाले इनके दम पर TRP बटोरते हैं। इन पैनलिस्ट में से कुछ तो खुलेआम दूसरे की धार्मिक भावनाएं उकसाने वाली अभद्र भाषा बोल जाते हैं और शो खत्म होने के बाद साथ में चाय पीते हैं और फिर चैनल से अपना लिफाफा उठाकर चल पड़ते हैं। पुलिस के मुताबिक FIR में बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अपने भड़काऊ बयानों के लिए गिरफ्तार हो चुके यति नरसिंहानंद, पीस पार्टी की शादाब चौहान, पत्रकार सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना और हिंदू महासभा की पूजा शकुन पांडे के नाम है। अब सबको पुलिस समन भेजेगी। दोस्तों इस FIR में इलियास शराफुद्दीन नाम के एक शख्स का भी नाम है जो 2017 से लगभग हर हिंदी अंग्रेजी चैनल में बुलाया जाता है। खुलेआम ये आदमी एक समुदाय के खिलाफ नफरती बातें करता है, नफरती जहर उगलता है और दिल्ली पुलिस ने इस आदमी को भी एक तरह से इस FIR में जोड़ा है। अब आप सोचिए, ऐसे ऐसे लोग जिनको दिल्ली पुलिस समन भेजने वाली है, वो न जाने कब से न केवल गोदी चैनलों के पैनलिस्ट हैं बल्कि ये गोदी चैनल उनको प्रमोट कर रहे हैं। एक दौर था दोस्तों जब न्यूज चैनल्स के डिबेट के लिए ना एंकर को 2-2, 3-3 घंटे होमवर्क करना पड़ता था, पढ़ाई करनी पड़ती थी, रिसर्च करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि भाई सामने पैनल में बैठा है कोई स्कॉलर, बैठा है कोई इकोनॉमिस्ट, बैठा है कोई विदेश मामलों का जानकार बैठा है। अब उनकी जगह किसने ले ली? मौलानाओं ने, महंतों ने। और इस कबूतरबाजी में सबसे ज्यादा मजे लिए एंकर ने। एंकर ने दोनों को उकसाया और इसमें महारत हासिल कर ली। पुलिस ने अब इन पैनलिस्टों पर FIR दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल तो ये है ना कि ऐसे न्यूज़ चैनलों पर एक्शन कब होगा जो ऐसे लोगों को अपने चैनल में ना केवल स्पेस दे रहे थे बल्कि एक तरह से आर पार कराकर इनको प्रमोट कर रहे थे। क्योंकि आप देखिए ना, एक चैनल का शो ऑन एयर होता है लाइव टीवी पर, उसके बाद उसकी वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड होती है, लाखों लोग अभी भी उस वीडियोज़ को देख रहे होंगे। आखिर उन संपादकों और एंकरों पर केस क्यों दर्ज ना हो जो रोज नाक फुला फुला कर ऐसे लोगों को अपने शो में ललकारते हैं, फिर शो खत्म होने के बाद दांत दिखाकर अगले दिन आने का फिर न्योता देते हैं। आखिर ऐसे चैनलों का लाइसेंस क्यों ना रद्द हो जिनके पैनल में ऐसे लोग बैठते हैं जिन पे दिल्ली पुलिस ने नामजद FIR की है। दोस्तों ये चैनल दूसरों को बात बात में देशद्रोही साबित करते हैं ना। इन चैनलों ने एक्चुअली में ऐसे लोगों को अपना पैनलिस्ट बनाकर खुद क्या एक तरह का देशद्रोह नहीं किया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये चैनल वाले डर गए, सुधर जाएंगे। इस मुगालते में ना आप मत रहिएगा। हाँ ये सही है कि चैनलों के आगे इस FIR के बाद पैनलिस्ट का संकट है, तो बहुत मुमकिन है कि इन पुराने चेहरों को ड्रॉप करके अब कुछ नए और जहरीले पैनलिस्ट तैयार किए जाएंगे। क्योंकि अब चैनल हिंदू मुसलमान डिबेट नहीं करेगा तो क्या महंगाई और बेरोजगारी पर बात करेगा? क्या आपको लगता है कि न्यूज चैनल अब सुधर जाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।